हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम दोनों मूवी के रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा के बारे में बात कर रहे हैं। तो कि आज दोनों को मूवी को आज दूसरा दिन पूरा होने जगह जा रहा है, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख रहे हैं। तो पहले अगर लाल सिंह चड्ढा का मूवी का बात करें, तो यह मूवी तो आप सबको पता ही होगा कि यह मूवी बहुत ही लंबे समय के बाद आमिर खान का 4 सालों के बाद एक मूवी आ रही है, जबकि इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं अद्विन चंदन ने। जबकि इस मूवी में आमिर खान से पहले आमिर खान के बेटे काम करने वाले थे, मगर कोई कारणों के बस यह मूवी में से वो हट गए और इस मूवी में आमिर खान आ गए काम करने के लिए। वहीं इस मूवी में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने, जबकि यह मूवी को एक हॉलीवुड मूवी के फॉरेस्ट गम की एक नया रीमेक है, जबकि वह मूवी 1994 में आई थी और उसके बाद यह मूवी का रीमेक हो रहा है, जो कि आमिर खान कर रहे हैं और इसके करीना कपूर भी हैं इस मूवी के लीड रोल में, और साउथ के नागा चैतन्या भी हैं जो कि बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, और शर्मन जोशी के साथ साथ और भी बड़े बड़े कलाकार हैं इस मूवी में। वहीं शाहरुख खान का केमियो भी हो सकता है यह मूवी में, जो कि यह मूवी को बहुत ही बड़े लेवल पर बनाया गया है। जबकि इस मूवी का बजट रक्षाबंधन से टोटली 100 करोड़ रुपये ज़्यादा है, जबकि उसका बजट है 70 से 90 करोड़ रुपया लगभग। वहीं इस मूवी का बजट सीधा 180 करोड़ रुपये है लाल सिंह चड्ढा का, जबकि यह मूवी इसका माई के मामले में उतना तो खास ओपनिंग भी नहीं कर पाई है जितना कि लग रहा था, जबकि इतना बड़ा बजट और इतना हाइप होने के बाद भी। जबकि इस मूवी को ज़्यादातर ट्रोल के वजह से भी हो सकता है कि कलेक्शन डाउन देखने को मिला है, मगर फिर भी यह मूवी अच्छा खासा चल रही है और पब्लिक रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। जबकि वहीं इस मूवी को 3500 स्क्रीन्स पर टोटल रिलीज किया गया, जबकि इस मूवी को 3 लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम। वहीं यह मूवी को शानदार रिस्पॉन्स के साथ साथ पब्लिक की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और इस मूवी को सबसे अच्छा रिस्पॉन्स हिंदी लैंग्वेज से ही मिल रहा है और बाकी तमिल तेलुगु लैंग्वेज से बस ठीक ठाक रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। वहीं अगर इसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग 12 करोड़ रुपये कर लिया है, वहीं यह मूवी सेकेंड डे भी अपने 10 करोड़ के आंकड़े को छूने के लगभग कोशिश कर रही है। इसका कमाई हो सकता है यही 10 करोड़ के आसपास सेकेंड डे भी। वहीं यह मूवी का सेकेंड डे का टोटल एडवांस बुकिंग सभी लैंग्वेज का मिला के 1,62,00,000 रुपया हो चुका है सेकेंड डे का एडवांस बुकिंग। उसी के साथ यह मूवी अभी तक तो शानदार ही चल रही है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि यह मूवी क्या हाल होती है रक्षाबंधन के सामने। वहीं रक्षाबंधन मूवी को आप सबको पता ही होगा यह एक फैमिली ड्रामा मूवी है। वहीं इस मूवी को डायरेक्ट किया आनंद एल राय ने, जबकि इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है जी स्टूडियो ने। इस मूवी को भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है चारों तरफ से। वहीं इस मूवी को अक्षय कुमार भी बहुत ही अच्छा तरफ से प्रमोशन कर रहे हैं, जबकि अपनी चारों बहनों के साथ मिलकर जो कि मूवी में होने वाली है। जबकि इस मूवी में टोटली रक्षाबंधन को 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, जबकि यह मूवी लगातार अच्छा चल रही है और यह मूवी को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक के तरफ से भी, और मूवी को बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स के साथ साथ लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, और रक्षाबंधन के वजह से यह मूवी और भी शानदार तरीके से चल रही है। और अक्षय कुमार की पिछली 3 मूवी बहुत ही बड़ी फ्लॉप हुई थी, तो इस मूवी को चांस मिल रहा है कि हो सकता है कि कुछ आगे कर सकती है यह मूवी या नहीं। अब तो 4th दिन से पहले वीक में ही पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक तो बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। वहीं इस मूवी का पहले दिन का कलेक्शन भी अच्छा खासा ही लिया है, 9 करोड़ से अपना ओपनिंग लिया है पहले दिन का। वहीं यह मूवी का सेकेंड का एडवांस बुकिंग में इस मूवी का 1,00,000 रुपया और 9,00,000 रुपया हो गया है, जबकि इस मूवी का सेकंड डे का टोटली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 8 से 9 करोड़ रुपया लगभग हो बताया जा रहा है। वहीं यह मूवी को ग्रैंड तरीके से अभी भी अक्षय कुमार प्रमोशन कर रहे हैं, और अगर दोनों मूवी का कंपेयर किया जाए तो अभी भी लाल सिंह चड्ढा ही रक्षाबंधन से आगे चल रही है, क्योंकि अभी सेकंड डे का एडवांस बुकिंग में भी इसी ने 1,62,00,000 की कमाई की, जबकि लाल सिंह चड्ढा का अच्छा चल रहा है। वहीं रक्षाबंधन 1,09,00,000 की ही कमाई कर रही है, जबकि इसी के साथ हिंदी लैंग्वेज में टॉप 10 के में से ओपनर मूवी के तौर पर रक्षाबंधन को टॉप 8 का रैंक मिला है, जबकि रक्षाबंधन टॉप 8 रैंक पर है ओपनर मूवी के तौर पर हिंदी लैंग्वेज के, और लाल सिंह चड्ढा को 3rd रैंक मिला है, जबकि 10 करोड़ और 12 लाख से हिंदी लैंग्वेज में इसने कमा के टॉप 3 के रैंक में आ चुके हैं लाल सिंह चड्ढा। और तो और बहुत ही शानदार चल रही है। और आपने कौन सा मूवी देखा था आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए, और इसे अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करें।